स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौतम ऑनलाइन स्टडी में। तो आज का जो हमारा पार्ट सेकंड है आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का MCQ बेस्ड जो हमारा टेस्ट है आपका, तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट तक अगर आप इस पार्ट को देखते हैं तो आपको फर्स्ट पार्ट की आपको लास्ट में मिल जाएगा लिंक, तो जहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम MP पुलिस MPSI एंड MPPSC का जो एग्ज़ाम आने वाला है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो हमारा कोर्स है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा MP परीक्षा जो आपका ऐप के बारे में, जहां आपको मिलेगा MPPSC MP पुलिस रेलवेज इन सभी एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज। तो अगर आप हमारे कूपन कोड के माध्यम से लेना चाहते हैं GAUJGOV40 तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा सभी टेस्ट सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम आपकी आज की क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। सबसे पहले सभी लोग, जितने लोग देखेंगे वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, सभी लोग ध्यान से एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रीमियर सेशन से जुड़ सकें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस शहर में क्रिस्टल IT पार्क बनाया गया है? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर? तो किस शहर में आपका क्रिस्टल IT पार्क बनाया गया है? यह है आपके इंदौर में। ठीक है, इंदौर में बनाया गया आपका क्रिस्टल IT पार्क मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में कहाँ पर आपका जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस आपका कहाँ पे है? रायसेन, देवास, मंदसौर या अशोक नगर? तो जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है आपके, यह है आपके देवास में है। ठीक है, देवास में है आपका करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, जो कि 5 रुपये से जो कि आपके ज़्यादा की जो नोट है आपके देवास में ही प्रिंटिंग की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन सेकंड का। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है आपका, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है? भोपाल, होशंगाबाद, झाबुआ या उज्जैन? तो सिक्योरिटी पेपर मिल आपका जो स्थित है होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, होशंगाबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फोर है कि मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष हुआ था, 1960 में, 1980 में, 2000 में या 1972 में? तो कब हुआ आपका योजना मंडल का गठन मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में योजना मंडल का जो गठन हुआ है आपका 1972 में हुआ। ठीक है, 1972 में आपका योजना मंडल का गठन हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन फोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइव, 7 मार्च 1953 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध का शिलान्यास किसने किया था? गांधी सागर बांध का शिलान्यास किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था गांधी सागर बांध का शिलान्यास? तो यह किया गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन सिक्स, मध्य प्रदेश राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना की सही अवधि क्या है, जो ड्यूरेशन है आपका, ड्यूरेशन सही ड्यूरेशन क्या है आपका? जो सेकंड जो आपका 5 ईयर प्लान था आपका मध्य प्रदेश राज्य का, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है 1956 से 1961 डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सिक्स का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन सेवन कि मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई आपके मध्य प्रदेश राज्य में? बिल्कुल 2010 से आपके 11 में शुरू की गई थी आपके मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन सेवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन एट कि मध्य प्रदेश की जो आपकी राम रोटी योजना है किसके लिए चलाई गई थी, ग्रामीण गरीब लोगों के लिए या शहरी गरीब लोगों के लिए, अनाथ बालकों के लिए या इनमें से किसी के लिए नहीं? किस लिए चलाई गई थी आपके राम रोटी जो योजना है, यह है आपकी चलाई गई थी शहरी गरीब लोगों के लिए। ठीक है, शहरी गरीब लोगों के लिए चलाई गई थी आपके राम रोटी योजना, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन एट का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नाइन, मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई, अनुसूचित जनजाति के छात्र या छात्राओं के लिए या छात्राओं के लिए या सभी वर्ग के छात्र या छात्राओं के लिए या उपयुक्त सभी? तो जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो छात्रवृत्ति योजना चलाई गई थी आपके, सभी वर्ग के छात्र या छात्राओं के लिए चलाई गई थी। ठीक है, सभी वर्ग के छात्र या छात्राओं के लिए चलाई गई थी आपकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नाइन का।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10 कि मध्य प्रदेश राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 2007 में या 2008 में या 2002 में या 2004 में, कब की गई थी आपके? मध्य प्रदेश राज्य में जो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत की गई थी आपके, यह की गई थी 2004 में, ठीक है, 2004 में की गई थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 11, इंदिरा गांधी योजना की छानबीन निम्न में से कौन करता है, जिला अधिकारी, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार या उपरोक्त सभी, कौन करता है आपका इंदिरा गांधी योजना की जो जांच पड़ताल एक तरह से बोले तो कौन करता है क्वेश्चन 11, तो ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है आपकी इस योजना की जो जांच पड़ताल छानबीन, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 12, राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई आपके राज्य में क्वेश्चन 12, बिल्कुल 2009 से आपके 10, ठीक है, 9-10 में आपके स्टार्ट की गई थी आपके जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 12 का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, मध्य प्रदेश में भगोरिया नेत्र किस जिले का है, भगोरिया नेत्र किस जिले का है आपका, अलीराजपुर, भोपाल, उज्जैन या झाबुआ, तो किस जिले का आपका भगोरिया नेत्र, तो यह है आपके झाबुआ का है, ठीक है, झाबुआ का है आपका मध्य प्रदेश में भगोरिया नेत्र। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 13 का। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14, मध्य प्रदेश में ढिमराई कहाँ का लोक नृत्य है आपका, मालवा का लोक नृत्य है या भोपाल का लोक नृत्य है या बुंदेलखंड का लोक नृत्य है या इनमें से कोई नहीं, तो ढिमराई जो है आपका यह कहाँ का लोक नृत्य, अगर हम इसकी बात करें आपके तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, ठीक है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है आपका ढिमराई। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल की लोक चित्र कला है, पगल्या किस अंचल की लोक चित्र कला है, बुंदेलखंड की, निमाड़ की, मालवा की या बघेलखंड की, तो किसकी है, यह जो है आपके मालवा, ठीक है, मालवा की है आपके लोक चित्र कला। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 15 का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 कि निम्न में से भीलों का प्रमुख नृत्य कौन सा है, परधौनी, कर्मा, भगोरिया या दशहरा, तो भीलों का जो प्रमुख नृत्य है अगर हम इसकी बात करें तो आपका भगोरिया, ठीक है, भगोरिया जो है आपका भीलों का प्रमुख नृत्य है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 16 का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 कि मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी जनजाति बैगा नृत्य करती है, मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी जनजाति बैगा नृत्य करती है, बैगा जनजाति, जारवा जनजाति, संथाल जनजाति या हो जनजाति, तो कौन सी करती है आपके बैगा जनजाति, ठीक है, बैगा जनजाति आपका बैगा नृत्य करती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 17 का। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 कि मध्य प्रदेश में होलकरों का महल कहाँ स्थित है आपका, होलकरों का महल कहाँ स्थित है, इंदौर, रतलाम, विदिशा या झाबुआ, कहाँ स्थित है आपका होलकरों का महल, तो यह है आपके इंदौर में स्थित है, ठीक है, इंदौर में स्थित है आपका होलकरों का महल। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 18 का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 कि मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है, राजगढ़, इंद्रगढ़, गुना या अशोकनगर, तो किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है क्वेश्चन 19 किस में मिलता है आपका, बिल्कुल इंद्रगढ़ में मिलता है, ठीक है, इंद्रगढ़ में मिलता है आपका। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 20 कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक स्थल सांची स्थित है, किस जिले में स्थित है आपका प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक स्थल सांची, अशोकनगर, उज्जैन, रायसेन या भोपाल, तो यह आपके स्थित है रायसेन में स्थित है, ठीक है, रायसेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 कि मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है आपके, कौन से समुदाय का, हिंदू का, मुसलमान का, बौद्ध का या ईसाई का, किसका है आपका, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका अगर आपने किया ऑप्शन सी बौद्ध का, ठीक है, बौद्ध का बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 21 का। नेक्स्ट हमारा 22 मध्य प्रदेश में कहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर है आपके, विदिशा, खजुराहो, सतना या ग्वालियर, कहाँ है आपका चित्रगुप्त मंदिर मध्य प्रदेश में, बिल्कुल खजुराहो में है आपका चित्रगुप्त मंदिर मध्य प्रदेश में खजुराहो में, तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 22 का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 कि देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में है, मंदसौर, रीवा, उज्जैन या रतलाम, तो कहाँ है आपका कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में है कला भवन, तो यह है आपके उज्जैन में है, ठीक है, उज्जैन में है आपके मध्य प्रदेश में कला भवन, ठीक है, उज्जैन में है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर आगे देखें नेक्स्ट हमारा 24
कि मध्य प्रदेश के किस शहर में सासवहु का मंदिर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके MPPSC एंड व्यापम के एग्जाम में। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में सासवहु का मंदिर स्थित है, तो यह आपके स्थित है ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है आपका सासवहु का मंदिर, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 24 का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमारा 25 है, क्योंकि हमारी जो सीरीज 25 क्वेश्चंस की चल रही है। ठीक है, तो 25 आगे आने वाले पार्ट में हम क्वेश्चंस इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है आपके एग्जाम का। ठीक है, 25 मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, किसको? मंदसौर को, ओमकारेश्वर को, भोजपुर को या उज्जैन को, किसका कहा जाता है आपका? मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है? तो आपके भोजपुर को कहा जाता है। ठीक है, भोजपुर को कहा जाता है मध्य प्रदेश का सोमनाथ, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के हमारे इस पार्ट की 25 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पार्ट को हमारे देख सकें। ठीक है, और लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो हमारा डेली प्रीमियर सेशन होता है। अभी जो हमारा प्रीमियर सेशन आपको मिल रहा है 8 PM पे मिलेगा। ठीक है, 8 PM पे डेली आपको मिलेगा। अदर सब्जेक्ट का भी जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करते चलिएगा, जिससे कि सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।